हम लोग को एक गड़े बहुमत अजुनी घोड़ाघोड़ी सरकार भाजपा कराव लगता है सरकार स्थिर नहीं है घोड़ाघोड़ी अन्य पक्ष वाव देने काम जो सुरू है अर्थ से भाजपच विद्यमान सरकार ये मनाव स्टेबल नहीं है स्थिर नहीं है जी प्रक्रिया है ती महाराष्ट्र जी शिंदेपुर सुरू है ती अद्याप सुरू है और यू सरकार वचवने का प्रयत्न होता का घड़ता है कशा मु घड़त है सामू शकना नहीं तो तुम्हारा एवं संगाइस कि महाविकास आघाड़ी काम करते रहूँ कांग्रेस उद्धव ठाकरे नेतृत्व शिवसेना एकत्र महाविकास आघाड़ी कायम रही मुद्दा राहिला पवार साहेबांच्या उर्वरित आमदारांचा तुम्ही त्यांनी घ्यावा त्यांना काय औषध वाटते महाविकास आघाडीत राहिले तर चांगली गोष्ट आहे पण शेवटी हा निर्णय त्यांना घ्यायचा आहे की त्यांनी या बाबतीमध्ये विद्यमान परिस्थितीवर काय भूमिका घ्यायची उद्धव ठाकरेंचं काही बोलणं झालं बोलो उद्धव ठाकरेंशी मी बोललो आणि त्यांना मी हे सांगितलं की आम्ही काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र येऊन ही महाविकास आघाडी महाराष्ट्रामध्ये कायम राहील आणि आपली भूमिका आपण लोकांसमोर घेऊन आहोत एकत्रपणे लोकांसमोर जाऊ अजित पवार निरोप होता निरोप प्रमाण मैं आज घटने से भेटी का संबंध नांदेड मधले कार्यकर्ते काल पूर्व नियोजित कार्यक्रम प्रमाण कालपासून आज नांदेड जिल्ह्यातील लोकसभा मतदार संघ नांदेडचा बैठक आमच्या सुरू आहेत आमच्या कार्यकर्ते कामाला लागलेले आहेत त्यांचं काय म्हणणं आहे त्यांच्या काय सूचना आहेत पक्ष मजबूत करण्याकरता काय काय करायची गरज आहे या सगळ्या बाबतीमध्ये मतदार संघनिहाय दोन दोन तीन तीन तास चर्चा झालेली आहे आमचे कार्यकर्ते काम करायला सज्ज आहेत कुठलाही आमच्यामध्ये कुठली मतभिन्नता नाही आहे आणि जोमाने काँग्रेस पक्षाची जी जागा काढण्याविषयी पूर्ण तयारी आमची तिन्ही पक्ष जे आहेत आमचे आता पवार साहेबांचे जेवढे आमदार आहेत ते असोत किंवा या ठिकाणी शिवसेना असोत किंवा काँग्रेस असो असा विषय हा निर्णय तिन्ही पक्षांनी मिळून घ्यावा लागतो सर सर हिंदी 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 देखिए आज जो पॉलिटिकल जो भी घटनाएं मुंबई में हो रही है उससे ये साफ पता चला है उसे दिखाई देता है कि भाजपा की और शिवसेना की जो सरकार महाराष्ट्र में है अभी भी स्टेबल नहीं है इसीलिए उनको अन्य पार्टी के लोगों को लेना पड़ रहा है शिंदे सरकार में आए हुए जो लोग हैं उनकी कोर्टों में चल रही मामले के ऊपर ये भी इशू हो सकता है उससे भी ज़्यादा इतनी मेजोरिटी होने के बाद में भी अन्य पार्टियों से लोग लेने की नौबत आती है इसका मतलब स्पष्ट है कि मौजूदा सरकार स्थिर नहीं है स्टेबल नहीं है पॉलिटिकली इनस्टेबल है इसलिए उनको अजीत पवार के साथ एनसीपी के कुछ विधायकों को लेके सरकार गठित करने का ये फैसला उनको मजबूरी में शायद करना पड़ा होगा ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है जहाँ तक सवाल कांग्रेस का आप तो देख रहे हैं कि नांदेड़ में जैसे पहले ही हमारी मीटिंग तय थी दो दिनों से हमारी नांदेड़ लोकसभा के बारे में मीटिंग चल रही है कार्यकर्ता अपने उत्साह के साथ काम करने के लिए तैयार है मैंने खुद उद्धव ठाकरे जी से आज यहीं से बात जब पता चला मैंने बात की और हमें आश्वासित किया कि हम कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की मिल के ज़रूर महाविकास आघाड़ी को आगे बढ़ाकर अपना काम जारी रखेंगे सवाल जहाँ तक पवार साहब के जो अन्य बचे हुए MLA हैं उनके बारे में शरद पवार जी ने फैसला करना है उनका फैसला रहेगा पवार साहब से मेरी बात नहीं हुई है क्योंकि स्वाभाविक है कि ऐसे वक्त में शायद उनको वक्त लगेगा सोचने के लिए उसने मैंने उनसे भी बात नहीं की है उद्धव ठाकरे जी जरूर मेरी बात की